सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया। आपका दोस्त सोमेन घोष फिर प्रेजेंट हो गया। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग एक वीडियो बनाने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह की पतंग आपको लेनी चाहिए, मार्केट में कैसी पतंग अच्छी होती है और कैसी अच्छी नहीं होती है, ये सब बातें बताएंगे। क्योंकि काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स की ये डिमांड थी, उन्होंने कमेंट बॉक्स में आकर के मेरे से ये रिक्वेस्ट किया था कि अंकल प्लीज़ एक वीडियो ऐसा बना दो कि जिसमें आप हमारे को ये समझा सको कि किस तरह की पतंगें मार्केट में जो मिलती है, जो अच्छी होती है, उस पतंग के बारे में हमारे को कुछ समझाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके लिए अब ये वीडियो आ गया और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में जब आप पतंग खरीदने जाओ तो किस तरह की पतंग खरीदनी चाहिए और कैसी पतंग अच्छी होती है, ये मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो से पहले जो हम आपको पिछले वीडियो के बारे में बात करेंगे, जो पिछला हमारा वीडियो था वो एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो था और उस वीडियो का नाम था फ्लाइंग अ यूनिक काइट। जी हाँ फ्रेंड्स, यही नाम था, फ्लाइंग अ यूनिक काइट ये वीडियो का नाम था। और इस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था, हमने एक पतंग उड़ाई थी और वो किंग कोबरा काइट थी। जिस पतंग को हमने उड़ाया था वो आसमान में काफ़ी दूर उड़ाने के बाद उसमें एक थैला लटका दिया था, प्लास्टिक का थैला था, और उस प्लास्टिक के थैले के अंदर एक एनाकोंडा काइट था। फ्रेंड्स, हमने आसमान में ही प्लास्टिक के थैले को खोल दिया और उसमें से एनाकोंडा काइट को बाहर निकाल लिया। फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दूँ, ये कि एक बात बताऊँ कि आपको ये जो हमने वीडियो बनाया था ये वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट टाइम इस तरह का वीडियो बना था। इससे पहले कभी भी किसी ने भी इस तरह का वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हमारे ही चैनल में बनती है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस तरह की वीडियोज़, और वो जो है हमारे पास डिमांड भेजते रहते हैं अपना। तो फ्रेंड्स, उसमें जो क्वेश्चन ये था हमारा कि उस एनाकोंडा काइट की पूरी जो लेंथ, उसकी लंबाई यानी उसकी पूंछ की लंबाई कितनी थी, ये हमारा क्वेश्चन था। इसका जो करेक्ट आंसर था, इसका करेक्ट आंसर था 85 फीट। जी हाँ फ्रेंड्स, इस एनाकोंडा काइट की जो लंबाई थी वो 85 फीट थी, 85 फीट इसका सही आंसर था। और इसमें से जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया है उन 10 लोगों का नाम मैं अभी इस लिस्ट में पढ़ करके आपको बताता हूँ। और जो है, और आपको इस वाले लिस्ट के अंदर भी इनका नाम मिल जाएगा, तो मैं अभी यहाँ पर जिनका नाम पढ़ूंगा। जो फर्स्ट आए हैं उनका नाम है पिनाकी सरकार, ये फर्स्ट आए। पिनाकी सरकार को एक थम्स अप और एक प्यारा सा सलूट। बहुत इन्होंने अच्छा गेस वर्क किया है और गेस करके सही बताया है कि 85 फीट इस पतंग की लेंथ थी। और जो सेकंड आए हैं उनका नाम है सिद्धांत गुरु, थर्ड आए हैं दीपा मंडल, फोर्थ आए हैं मॉडर्न गेमिंग, फिफ्थ आए हैं रिजुल हक, सिक्स्थ आए हैं तरुण तुनिया ब्लॉग, और सेवेंथ आए हैं नवीन ए एस कुमार, एट आए हैं आनंद शर्मा, नाइन्थ आए हैं ऋषिका घोष, और टेंथ आए हैं अंकित मयूर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 10 लोगों के नाम हैं। इन सभी लोगों को मैं थम्सअप करना चाहूँगा, और इसमें से जो फर्स्ट आए हैं पिनाकी सरकार उनको भी मैं थम्स अप करता हूं, उनको एक बार फिर से सलूट कर देता हूं फर्स्ट आने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो आपका पिछला वीडियो का बात हो गया, और अब जो है हम आपको बताते हैं कि आपको किस तरह का पतंग खरीदना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ पतंग रखा है, वहाँ पे भी एक छोटा पतंग रखा है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ये जो रेड वाली पतंग देख रहे हैं ये हमने अपने पास बनाई है, और इसमें जो पेपर यूज़ किया है ये रेड वाला पेपर यूज़ किया है, ये आप देख सकते हैं मेरे पास पेपर है, इसी पेपर से इस पतंग को बनाया गया है। और ये पतंग का जो है कलर इसलिए फेड हो गया क्योंकि इस पतंग को हमने आने के बाद हम एक दिन इसी छत के ऊपर भूल गए थे और यहाँ पे इसका धूप लगने से इसका कलर फेड हो गया है, और लेकिन इसमें कागज़ वही यूज़ हुआ है। फ्रेंड्स, अब आप देखिए कि एक अच्छे पतंग के लिए क्या होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पतंग लखनऊ का है फ्रेंड्स, ये लखनऊ का बना हुआ है। अगर आप इसके कमान और ठड्डा देखेंगे, ये ठड्डा आप देखिए पूरी की पूरी सेका हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये सेका हुआ ठड्डा है, और इसका कमान जो है इसका कमान ऊपर चढ़ा करके लगाया गया है। यानी इस पतंग को आप मीडियम भी लड़ाइए, छोटा भी लड़ाइए, दूर भी ले जा करके लड़ाइए, बिल्कुल ये एकदम परफेक्ट पतंग है और ये लखनऊ का बना हुआ है। अब मैं आपको एक दूसरा पतंग भी दिखाता हूँ, मैं इस तरह से भी कई पतंग दिखाऊँगा। फ्रेंड्स, ये भी आप पतंग देखिए, इसका भी जो है कमान काफ़ी चढ़ा करके लगाया गया है और इसमें सेकाई कम हुई है, लेकिन ये भी पतंग अच्छा है। इन पतंगों में आपने सबसे पहले क्या देखना होता है, इन पतंगों में आपने देखना होता है, जैसे मैंने इस पतंग में दिखाया, आप इसमें देखिए ये कि इसका जो ठड्डा है कितना सेका हुआ है। तो
पतंग का जो कमान और ठड्डा सेका हुआ होना चाहिए और दूसरा इसका पेपर की थिकनेस जो होती है वो मोटी होनी चाहिए। अभी ये पतंग बरेली की है और ये पतंग मेरठ की है और ये भी पतंग आपका मेरठ का है अगर आप देखें इस पतंग में, और इसमें कारीगर ने अपना फ़ोटो भी लगा रखा है। यहाँ पर देखिए आप, एक फ़ोटो लगी हुई है कारीगर की। और ये जो पतंग में आप देख सकते हैं कि इसके आप ठंडे को देखिए कितना अच्छी तरह से सेका हुआ है, मतलब इसको बहुत ही अच्छी तरह से सेका हुआ है। और इसके जो कमान को भी देखिए, बहुत चढ़ा करके लगाया हुआ है कमान है। अगर आप, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ आप देखिए, और इसके कमान को भी देख सकते हैं आप कि काफ़ी अच्छी तरह से सेका हुआ है। मैं कमान को इस तरह से भी आपको दिखाता हूँ, आप इधर भी देखिए इसको सेका हुआ है। सेका हुआ किसको कहते हैं मैं आपको ये देखिए इस पर दिखाता हूँ। ये देखिए हमने भी एक छोटी पतंग बना रहे हैं, ढाई की पतंग बना रहे हैं। ये देखिए इस पतंग को हम बना करके काफ़ी लंबे अरसे तक रखेंगे, इसलिए हमने भी इसको देखिए सेका है। अगर आप देखेंगे तो, और इसका आप ठड्डा भी देखिए, इसको भी हमने सेक दिया है। तो इस तरह से जो है सेका कमान और ठड्डा जो होता है वो बहुत अच्छा रहता है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि ये पतंग जो है कम से कम 25 साल पुरानी है। ये कोलकाता की पतंग है, ये देखिए यहाँ पे कैलकाटा लिखा हुआ है, कैलकाटा 24 परगना की ये पतंग है और प्रवेश दा की हाथ की बनी हुई है। तो फ्रेंड्स ये इतना पुराना पतंग जो है किस तरह से मेरे पास है, इतना पुराना पतंग जब भी मेरे पास है क्योंकि इसका कमान और ठंडा बहुत अच्छा लगाया हुआ है और इसका पेपर भी बहुत अच्छा है। अभी ये भी पतंग देखिए, ये भी लखनऊ की है और ये पतंग आपकी मुरादाबाद की है। तो ये भी अगेन लखनऊ की पतंग है, ये इलाहाबाद की पतंग है, ये भी पतंग कोलकाता की है और ये मास्टरदा के हाथ की बनी हुई है। और इसमें भी आप देखिए कि कमान और ठड्डा के अंदर कितना अच्छा वर्क, और ये पेपर भी, ये भी कम से कम 25 से 30 साल पुरानी है। और ये अली नवाब जी के हाथ की पतंग है, ये भी बहुत पुरानी पतंग है, ये तो 35 ईयर्स तक पुरानी पतंग है। फ्रेंड्स आपको बता दूँ इसमें भी आप देख सकते हैं कमान, इसमें डबल गांठ है, आप ये देखिए यहाँ पर जो गांठ है और इधर भी गांठ है। और इस गांठ की होने की वजह से जो इसका जो कमान है कभी भी नहीं बहेगा, इसका कमान जो हमेशा मजबूत रहेगा। और ये लखनऊ की पतंग है और आपका ये जो है आपका पतंग, आपका मेरठ का पतंग है और ये भी बहुत अच्छा पतंग है, और ये पतंग मुरादाबाद का पतंग है। तो फ्रेंड्स इसमें भी आप देख सकते हैं कमान और ठड्डा सारा सेका हुआ है, पेपर भी बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स अब मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, अभी ये देखिए मेरे हाथ में ये पेपर है, ये पेपर दोनों ही ब्लैक हैं। अब अगर आप इस पेपर को ठीक से देखें तो इस पेपर की जो ऊपर इस वाले पेपर की थिकनेस बहुत अच्छी है, यानी मजबूत पेपर है। और इसकी थिकनेस देखिए, ये दोनों ही पतंग बनती है, दोनों ही कागज़ों से पतंग बनती है। ये देखिए इसकी थिकनेस जो है बहुत हल्की है, यानी अगर हम इसको इस कुर्सी के पाइप के ऊपर रखते हैं, ये देखिए अगर हम इसको कुर्सी के पाइप के ऊपर रखते हैं तो इसमें आपको जो है कुर्सी का पाइप का कलर जाएगा। ये देखिए कुर्सी का पाइप का कलर इसमें आपको नीचे दिख रहा है साफ, तो इसका मतलब क्या है, इसका पेपर कमज़ोर है, कच्चा पेपर है। तो एक अच्छे पतंग को बनने के लिए क्या है कि आपका उसका कमान और ठड्डा जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसका कमान और ठड्डा सेका हुआ होना चाहिए, उसका पेपर का थिकनेस जो है, उसका पेपर का थिकनेस मोटा होना चाहिए। जैसे ये पेपर का थिकनेस है, ये थिकनेस अच्छा है और ये थिकनेस अच्छा नहीं है, तो थिकनेस होना चाहिए उसकी अच्छी। तो और तीसरी चीज़ है कि बहुत ही अच्छे कारीगर के हाथ की बनी हुई पतंग अच्छी होती है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो इंडिया तो सोने का खान है और हर चीज़ के अंदर जो है पतंग जो है हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी बनती है। हर कॉर्नर में आप चले जाइए, आप कहीं किसी भी शहर में चले जाइए हिंदुस्तान के अंदर, बहुत अच्छे अच्छे कारीगर आपको मिल जाएंगे पतंग बनाने वाले। तो ये डिपेंड करता है तीन बातों के ऊपर, पहला जो है उसका कमान और ठड्डा बहुत अच्छी तरह से छीला हुआ और सेका हुआ होना चाहिए, दूसरा चीज़ जो होता है पेपर का, पतंग जो जिस पेपर से बनता है उस पेपर की थिकनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा जो चीज़ होता है वो कारीगर, जो सबसे बड़ी और सबसे अहम चीज़ है वो कारीगर जो है आपका, चाहे लखनऊ का हो, चाहे कानपुर का हो, चाहे इलाहाबाद मुरादाबाद या किसी भी शहर का हो, मुरादाबाद का भी हो, बरेली, सब जगह बहुत अच्छे अच्छे कारीगर बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर जो लोग पतंग बनाते हैं। इवन कोलकाता में भी है, बीकानेर में है, जयपुर में है, इलाहाबाद में है। मैं अगर सारे शहरों का नाम लेने लगूंगा ना तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो आप लोग लाइक नहीं करोगे। तो मैं कह दूँ तकरीबन हिंदुस्तान के हर कॉर्नर में बहुत अच्छे अच्छे कारीगर हैं, और ये डिपेंड करता है कारीगर के ऊपर कि वो कारीगर कितना अच्छा है। तो वो कारीगर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपको पतंग बना करके देगा। तो आप लोग जब भी
भी मार्केट में जाएं पतंग खरीदने के लिए तो आप ये देखिए कि पतंग का जो है कमाना ठड्डा सेका हुआ होना चाहिए, दूसरी चीज़ उसकी पेपर की थिकनेस अच्छी होनी चाहिए, तीसरी चीज़ अच्छी कारीगर का बना होना चाहिए, बस यही सब चीज़ देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लायर सुमेन गोस्वामी, यही नाम है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।